दो ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस आतंकी हमले को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान भी अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम सोनमग क्षेत्र के गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर कारतापूर्ण और कारतपूर्ण हमले की बहुत दुखद खबर है। ये लोग इलाके में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। इस आतंकवादी हमले में 7 लोग मारे गए हैं जबकि अन्य लोग घायल हैं। मैं निहत्ते निर्दोष लोगों पर इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला के अलावा भी उपराज्यपाल ने वहां पर उस हमले की कड़ी निंदा की है। इसे लेकर जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने के कार्यालय की तरफ से भी ट्वीट आया है जिसमें एलजी के द्वारा कहा गया है कि मैं गगनगीर के नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने कहा है कि हमारे बहादुर जवान जमीन पर हैं और वे सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवादियों को उनकी हरकतों की भारी कीमत चुकानी पड़े। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। साथ ही साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश परिवार के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा के अलावा भी अमित शाह की ओर से भी एक ट्वीट आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस आतंकी हमले को लेकर एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में कायरतापूर्ण हमला घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करता हूं। तो बता रहे हैं आपको कि लगातार कैसे देश के बड़े नेता, जम्मू कश्मीर के सीएम, वहां के एलजी और गृहमंत्री अमित शाह, तीनों ही जो लगातार बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, सारे ही लोग जम्मू कश्मीर में हुए इस जघन्य कृत्य को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और इस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी निंदा जो है वो कर रहे हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे रविवार शाम का यह हमला बताया जा रहा है जब मजदूर जो है वहां टनल में बैठकर खाना खा रहे थे, अपना काम पूरा करके वो खाना खाने बैठे थे, जबकि तुरंत वहां पर बिजली काट दी गई और फिर 3 आतंकियों ने वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जिसमें अब तक पूरे 7 लोगों की जान जा चुकी है। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा था कि 2 लोगों की जान गई है लेकिन अब मरने वालों की संख्या जो है वो 7 हो चुकी है जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। तो इस पूरे